और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यहाँ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच ये मुलाकात। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है भारत के लिए, और आपको बता दें कि पीएम मोदी का ये रूस दौरा कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये मुलाकात आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच। Я с теплотой вспоминаю наш ваш июльский визит в Москву и плодотворные переговоры с вами. आपको बता दें कि पीएम मोदी दो दिन के रूस दौरे पर हैं। पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं और पांच महीने के भीतर पुतिन से पीएम मोदी की ये दूसरी मुलाकात है। रूस पहुंचने पर पीएम मोदी का सबसे पहले जोरदार स्वागत किया गया था। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जिसमें पीएम मोदी के स्वागत के लिए कृष्ण भजन गाए गए थे। दो दिन का ये दौरा पीएम मोदी का होने वाला है, जिसे पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और ये मुलाकात काफी अहम भी बताई जा रही है। कजान के रूस में, माफ कीजिएगा, रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जहां ये मुलाकात। और देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे तो उनके स्वागत में जो है भारतीय परिधान में कलाकार पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कृष्ण भजन भी वहां पर गाया गया था। तो पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर रूस में रहने वाले भारतीय भी काफी उत्साहित हैं। और हर बार ऐसा देखने को मिलता है जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी देश के दौरे पर जाते हैं तो वहां रहने वाले जो भारतीय हैं वो पीएम मोदी से काफी उत्साह के साथ मिलते हैं। और रूस में भी कुछ ऐसी ही झलक देखने को मिली जहां पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर रूस में रहने वाले भारतीय काफी उत्साहित नजर आए। और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी वजह यह है कि रूस और भारत के रिश्ते बहुत पहले से मजबूत रहे हैं, और दूसरी वजह यह है कि कई रूसी नागरिक भारतीय संस्कृति से काफी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत रूस में किया गया। जुलाई की मुलाकात की याद है जब हमारी बहुत अच्छी चर्चा हुई बहुत विषयों पर। इसके बीच हम टेलीफोन पर कई बार हमने बात की। कजान आने का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो आज हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सेरेमनी में भाग लेंगे और उसके बाद डिनर के समय हम भी बात करेंगे दूसरे नेताओं के साथ। आज आने वाले ब्रिक्स के दौरान